नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मरुधरा के सियासी गलियारे में इन दिनों बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अलग मुश्किलें हैं, तो भारतीय जनता पार्टियों के सामने चुनौतियां अब अलग खड़ी हो गई हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के जयपुर दौरे की। दरअसल एकाएक जब ये खबर आती है कि वेणुगोपाल जयपुर दौरे पर आ रहे हैं, लिहाजा पायलट और गहलोत दोनों ही कैंपों में चहलकदमी मच जाती है। कयासों का बाजार गर्म होने लगा है कि आखिर केसी वेणुगोपाल का जो राजस्थान दौरा है, जयपुर दौरा है, ऐसे वक्त में क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल राजधानी जयपुर के मैरियट होटल में ठहरे हुए हैं। मैरियट होटल में ही उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहीं पर उनसे मुलाकात करेंगे और कल सुबह 11 बजे एक मीटिंग की अभी तक सूचना प्राप्त हुई है कि कल 11 बजे पार्टी पदाधिकारियों से केसी वेणुगोपाल चर्चा करेंगे। अब ऐसे वक्त में जब तरह तरह के पहले से ही कयास लगाए जा रहे हों, ऐसे वक्त में केसी वेणुगोपाल का दौरा जब जयपुर हो जाए, तो जाहिर तौर पर कयासों का जो बाजार है, अटकलों का बाजार है, उसका गर्म होना लाजमी है। अब इस दौरे के क्या मायने होते हैं, क्या बड़े फैसले होते हैं, इस पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं इन दिनों सियासी गलियारे की चुनौतियों की, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक अजब कसम में फंस गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी नहीं है, उससे कहीं बड़ी चुनौती सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट बन गए हैं। दरअसल पूर्वी राजस्थान में हाल ही में जिस प्रकार से निकाय चुनाव हुए और उनमें भारतीय जनता पार्टी का जो फिसड्डी प्रदर्शन रहा, उससे अब भारतीय जनता पार्टी चौकन्ना हो गई है। लिहाजा इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही रणनीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और खास बात यह है कि ये रणनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि सचिन पायलट के खिलाफ बनाई जाने लगी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का सिक्का चलता है, लिहाजा पायलट की इसी खासियत से अब भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, लिहाजा इसका तोड़ निकालने में व्यस्त हो गई है और अलग अलग तरीके से व्यूहरचना बनाई जाने लगी है। इनमें सबसे अहम है भारतीय जनता पार्टी का सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर डोरे डालना। आपको बता दें कि हाल ही में सतीश पुनिया और किरोड़ी लाल मीणा के बीच वार्ता हुई है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा भले ही भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो पार्टी में रहते हुए भी खुश नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में किस तरीके से रिश्तों में खटास रही, किस तरीके से सियासी वर्चस्व की जंग चली, वही जानकारी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और किरोड़ी लाल मीणा में भी अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन ये सियासी मजबूरियां ही होती हैं कि सबको साधना पड़ता है, लिहाजा सतीश पुनिया अब किरोड़ी लाल मीणा को साधने में जुट गए हैं कि किसी भी तरीके से पूर्वी राजस्थान में पायलट के सियासी वर्चस्व को कम किया जा सके, क्योंकि जो किरोड़ी लाल मीणा है वो मीणा समाज में अपना अच्छा दबदबा रखते हैं, लेकिन सचिन पायलट वहाँ पर पहले से ही अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। और पायलट कैंप के जो ज़्यादातर विधायक हैं वो पूर्वी राजस्थान से ही आते हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों जो पूरा फोकस है वो सिर्फ पूर्वी राजस्थान पर है कि किसी भी तरीके से पूर्वी राजस्थान में पायलट के प्रभाव को कम किया जा सके। अब बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस मंसूबे पर कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर पर दी फैक्ट इंडिया टीम की हमेशा निगाहें बनी रहती हैं और जो भी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट होगी, हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे।
दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक दिलचस्प खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।